अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद अजमल रहीम अपनी को होस्ट के साथ आज का प्रोग्राम लेके हाजिर हुए हैं। यहाँ हमारे पता है हमारे आप गेस्ट कौन है? जी बिल्कुल, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और उनको पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, मुझे एक बात ज्यादा आ गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह ने बड़ा करम किया है, लाखों करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन तुम्हारे मुंह की गुर्बत नहीं जाती है। क्या कह रहे हैं आप? मैं वही गरीबों जैसा मुंह है तुम्हारा, हालांकि मैंने लाखों करोड़ों कमाए हैं और तुमको हजारों लाखों दिए हैं। प्रोग्राम शुरू हो गया। अच्छा प्रोग्राम शुरू हो गया, शिबली साहब हमारे जो है ना बड़े। अच्छा आपका बहुत शुक्रिया, आपको हमने सलाम भी किया। जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी मोहब्बतें, आपने बुलाया, आपने इज्जत दी है और बस जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आपकी तबीयत कैसी है? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं वो खबरें तो नहीं सुना रहा था ना, अपनी तबीयत का ही बता रहा था कि बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है और करम है और आप भाइयों को प्यार है, मैं तो कुछ चीज़ ही नहीं नजर आ रहा है। अच्छा पैसे गिनते हुए हमेशा कम गिने हैं, कहते हैं नजर नहीं आ रहा। अच्छा नए शादी है ये, लेकिन बहरहाल अब ये इतना सा था इतनी थोड़ा बड़ा कर ले जरा, ये ठीक है तो आंखें इसमें तो खुश रहूंगा मैं। आंखें तो अभी भी नहीं खुली हुई और लाइव करने वाले प्रोग्राम लाइव जा रहा है। ठीक है जी लाला जी, आज हमने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया। आपका नाम क्या है जी? तो अजमल साहब ने पूछा और मैंने बताया। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बिजली सी चमकती है और आपका खूबसूरत चेहरा देखता हूँ तो मुझे अपना ही गाना याद आ जाता है, आपने काली कमीज पहनी है तो मुझे वो याद आ जाता है, जिस किसी मजमे में होता हूँ तो लोगों की एकदम चीख और पुकार शुरू हो जाती है, तो मेरे चाहने वाले जो देखने वाले हैं वो भी काली कमीज देख रहे हैं तो मैं भी बैठा हूँ, तो शिबली साहब से गुजारिश है कि जरा बजा दो। कमीज तेरी काली नहीं सोने फुला, कमीज तेरी आगे जाएंगे तो जरा मतलब खातून हूँ, जरा एहतराम कर रहा था। कमीज तेरी काली सुने फुला कमीज था, इसलिए मैंने कहा और उनकी खूबसूरत कमीज थी तो मैंने कहा जरा एक नजराना हमारी तरफ से। लाला जी शुक्रिया, आपने आपको आज हमने अपने इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो आप अपनी जिंदगी के कोई हालात बताएं कि आपने ये गाना कैसे शुरू किया। आपका नाम क्या है जी? अभी तो खान साहब अजमल साहब ने पूछा और मैंने बताया हयाम। अच्छा नहीं वो तो मैं सुन रहा था लेकिन मैंने कहा वैसे ही जरा बात करने का बहाना बहाने ना ढूंढी, हमने तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है इसलिए कि आपसे बातचीत कर सके। जी जी मेरी तरफ से तो हाँ ही समझे जी, नेक काम में देर किस बात की। मेरा मतलब ये है कि जी वो जो बुलाया है तो कबूल कबूल वाली बात का कह रहा था ना। हाँ साहब काम आप ढगे हैं। नहीं नहीं जब मेरी दूसरी शादी हुई थी ना तो इसी तरह वो शर्मा पता है क्या हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है प्लीज। अच्छा तो आपने गाना कब शुरू किया था? शादी में इंटरव्यू का क्या काम है जी, अगर आपने ये सारी बातें पूछनी है तो मेरी वेबसाइट खोल लेते, वेबसाइट पे सारा कुछ पता है कि मैंने कब शुरू किया और कब खत्म करना है। मैंने हम जरा आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, आपके जो फैंस हैं वो जानना चाहते हैं आपकी जिंदगी के हालात के बारे में।
हालात क्या बताऊं जी, जब हालात बुरे थे उस वक्त किसी ने पूछा नहीं, अब हालात ठीक है तो कोई देखता नहीं, क्योंकि हालात बहुत बेहतर हो गए हैं और जो पूछने वाले हैं उनके हालात को बेहतर नहीं है, अपनी हालत और अपने हालात की बात है, क्या करें। आपने गाना कैसे शुरू किया? ये कैसे क्या हो गया? हाँ सब, आप किससे उदासी रहे गाना गाने? ट्रक के हॉर्न से जी। जी क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि जी ट्रक का हॉर्न जो है वो मैं बजा के जो है कूद जाता था। वो कौन सा हॉर्न है जिससे आप मुतासिर हो गए? वो हॉर्न ट्रकों पे होता है, आप ट्रकों पे तो नहीं, आप तो जहाजों में घूमने वाले चेहरे हो, आपको ट्रकों पे हॉर्न का क्या पता। इतनी जोर से बजता था कि मेरी शलवार गीली हो जाती थी, फिर मुझे कूद के जो है वो बदल के वापस आना पड़ता था, ट्रक चल रहा होता था उस वक्त, है कि नहीं? हाँ जी जी। आपको किसने कहा कि आपके गले में बहुत सोज है? बहुत दर्द है। ये एक लंबी दास्तान है जनाब, अगर आप कहे तो मैं सुना देता हूँ, जरा मुख्तसर हो, मुख्तसर करके सुनाता हूँ कि हम गांव के रहने वाले हैं, गांव में आपको पता है सुबह सुबह शहर के लिए जाना होता है, आप लोग तो यहाँ बाथरूमों में चले जाते हैं, लेकिन हम जो है वो जरा खेतों में चले जाते हैं, खेतों में अगर फसल होती थी तो फिर तो कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर फसल ना हो तो फिर हमें गुनगुनाना पड़ता था, तो जब हम गुनगुनाते थे तो लोगों को समझ में आ जाता था कि खान साहब बैठे हुए हैं, तो उस वक्त का रुख नहीं करते थे, तो हम गुनगुनाते थे तो लोग कहते थे कि ओ बड़ा दर्द है। आपको किसने कहा था कि गले में दर्द है? डॉक्टर ने बताया था जी। डॉक्टर को किसने बताया? डॉक्टर को मैंने खुद ही बता दिया था जी, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि दर्द का पता नहीं किसका कह रहा है, मैंने बताया किसी ने ही गले में दर्द का, डॉक्टर ने मुझे बताया और मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं खास आपको, आपने कहा था आपके दांत में दर्द है? दांत में था, फिर उसके बाद कान में हुआ, फिर उसके बाद सर में हुआ, और ये मेरा सर दर्द है जो मेरे साथ बैठा हुआ है। बात हो रही है, इंटरव्यू हो रहा है, ऑनर जा रहे हैं, तुम बीच में अपनी जब जब ना करो। हाँ जी, मैं पूछा कि डॉक्टर को कैसे पता चला कि आपके गले में दर्द है? मैं गरारे कर रहा था ना जी, गरारे कर रहा था, मेरे साथ एक बंदा खड़ा हुआ था, वो गिर के मर गया, गरारे की आवाज से उसमें इतना दर्द था, मुझे फौरन अस्पताल लेके गए, वो बंदा तो मर चुका था, मुझे अस्पताल लेके गए कि जी देखे क्या है, वहां पे नर्स ने मुझे देखा, मैं वहां फिर गरारे करने लगा तो नर्स मर गई। डॉक्टर ने कहा कि इसके तो गले में बड़ा दर्द है, यहाँ से मेरे दर्द का सिलसिला शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। इनका दर्द हमारी जान भी न ले, आप ना मरिएगा, आप पर तो हम मर मिटे हैं, क्या मतलब उम्मीद तेरी कभी, मैं समझा आप चले गए हो, नहीं रहो, तबले के ऊपर खड़े रहो जी। हाँ सर, प्रोग्राम होने जा रहा है जी, हम मैं थोड़ा सा इधर जी जी जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ जी, पिलावा जब मत गए ना, लोग क्या कहेंगे जी? अच्छा अच्छा, सुना है आपका बड़ा बेटा बहुत बड़ा फनकार है जी, और आपके नक्शे कदम पे चल रहा है। बड़ा तो जी उसका बाप भी नहीं है, वो कहाँ से बड़ा फनकार हो गया, बस ठीक है, मतलब है कि गा लेता है, जैसे अल्लाह ने मुझ पर रहमत की है इसी तरह बच्चे पे भी अल्लाह रहमत करे, आप भी दुआ करें। हाँ सर, आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आपने सजावल के पैदा होने से पहले ही उसका नाम रख लिया था। जी हाँ रख लिया था, आपने सही सुना। ये वाक्य सुना दें कि आपने कैसे मालूम? मेरी बात होती रहती है ना जी उससे टेलीफोन पे। किससे? सजावल से। वो तो पैदा भी नहीं हुआ था। आप किसका पूछ रहे हैं? पैदा होने से पहले की बात। तो नाम रखा, वो पैदा होने से पहले तो आपने सजावल नाम रखा। आजकल तो इंग्लैंड में है, मैं समझा उसके बारे में आप पूछ रहे हैं। आपको कैसे पता चला कि ये लड़का सजावल ही पैदा हो रहा है? बेटा ही होना है। आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे जी, अब इसमें क्या झगड़े की बात है? सजावल की बात कर। अच्छा सजावल का पूछ रही है, सजावल ये बड़ी एक दर्दनाक दास्तान है। फिर से दर्दनाक। और अगर आप कहते हैं तो मैं गा कर सुना देता हूँ, अगर आप कहते हैं तो सुना देता हूँ, मुख्तसर सुना देता हूँ।
मुख्तसर सुना देता हूं कि वो आपकी जो भाभी है ना, उस वक्त सजावर होने वाला था, एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई। अच्छा, तुम्हें तो पता ही है, तुम तो साथ थे हैं? और अच्छे बुरे वक्त में ये साथ ही होता है। तो उस वक्त जो वक्त ऐसा था कि मैंने फौरन जो है गाड़ी में डाला आपकी भाभी को, आपकी आपकी नहीं उनकी डाला गाड़ी में, और फौरन ले गया अस्पताल। अस्पताल में जो है वो नर्सें इकट्ठी हो गई, लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने मुझे देख लिया और पहचान लिया, मुझसे प्यार करने लगे। फिर आपने क्या किया? डॉक्टर भी आ गए जी। फिर आपने क्या किया? मैंने उनको देखते ही कहा, खान साहब अभी पैदा नहीं हुआ तो आप कैसे कह रहे हैं कि बोल सावन? बस कट करके दिखाते हैं जी कि आपकी आपकी भाभी को जो है वो स्ट्रेचर पे डाल के ले जा रहे हैं, वो लेबर रूम में लेके अंदर चले गए, अंदर से चीख पुकार की आवाज आ रही थी और मैं बाहर कह रहा था बोल सावल, अरे बोल सावल, ना तू रोले सावल, ना तू रोले सावल, अब की गंदे आंदे पीछे ना तू रोले सावल। अस्पताल में हम बैठे हुए थे और ये सारा कुछ हो रहा था, और इतनी देर में डॉक्टर भी इधर उधर भाग रहे थे, नर्सें भी भाग रही थी, लोग हमें देख रहे थे और मैं कह रहा था बोल सावल, अरे बोल सावल, ना तू रोली सावल, अरे ना रोली सावल, ओए की बंदे आंदे ना तू रोली सावल, बोल सावल। मैंने नर्स से पूछा, मैंने कहा सजावट हो गया? उसने कहा अभी नहीं हुआ। मैंने कहा बोल सावल, बोल सावल, बोल सावल। अचानक एक आवाज आई, एक चीख आई ना, बच्चा आया। उसने आके बच्चे पे अचानक हाथ रखा, मैंने बच्चे को देखा, बच्चे ने मुझे देखा, मैंने बच्चे को देखा, बच्चे ने कहा बोल बाबुल, अरे बोल बाबुल, ना तू रोले सानू, ना तू रोले सानू, अब की कंडे आते बीच ना तू रोले सानू, बोल सावल। खान साहब, बच्चा पैदा होते ही आपके पास आ गया? पूछा बेटा तुम कौन हो, तुम कहीं वो तो नहीं हो? उसने कहा कौन? मैंने कहा बोल सावल, बोल सावल, वो सावल ही था। किस अस्पताल में पैदा हुआ था आपका बेटा? बड़े अस्पताल में, बहुत बड़ा अस्पताल था जी, मैं देख के हैरान रह गया, इसलिए मुझे लग रहा था कि सामल बोल ले रहा था, अस्पताल को देख के सहम गया, बच्चा है ना जी। और फिर ड्रग से और लक्ष्य से दे, उसको पता था कि बाप मेरा जो है सो गुर्बत में फंसा हुआ है, तो इसलिए वो बोल नहीं रहा था। और मैं बार बार बाहर कॉरिडोर पे बैठ के गा रहा था बोल सावन, बोल सावन, गाना पूरा कर लेंगे बोल सावल, ना तू रोले सानू, कंडे आंदे बीच ना तू रोले सानू, बोल सावल। इतना बड़ा अस्पताल था तो बिल भी बड़ा ही आया होगा? बहुत बड़ा बिल आया जी, बिल आ गया। मैंने देखा नर्स आई, डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि जी हो रहा है ऑपरेशन, हो रहा है। मैंने कहा कब हो रहा है? न वो बोल रहा है न तुम लोग बोल रहे हो। उसने कहा कि जी हम बोल रहे हैं, पहले ये देख लो। मैंने देखा बिल, तो एक झटका सा आ गया अजमल साहब मुझको। हाँ, तो वो बिल जो था वो 5,00,000 रुपए का था उस वक्त। तो ट्रक चलाते थे आपने? वो आपके इब्तदाई दिन थे, आपके पास उतना पैसा नहीं था। इतना बिल कैसे आपने अदा किया?
इतना नहीं जी, कितना भी बिल नहीं था, जितना भी था मैंने सारा देखा और सब कुछ किया और मैं देख के बिल हैरान रह गया, 5 लाख था। फिर मैंने उस वक्त कहा, अब बोल सांवल, बोल सांवल, बोल सांवल, ना तो रोनी सानू एक नया दे बीच, ना तू बोल सांवल, तू बोल सांवल। बस कर दे खान साहब, मुझे जरा ये बताइए कि इमरान खान साहब आपको अपनी महफिलों में बुलाते हैं? इमरान खान साहब को जवाब देने से पहले मैं दाद देता हूँ आपको, बिल्कुल बीवी की तरह डांटती हैं ये और बड़ी अच्छी गुजरेगी। सुना हूँ आपसे बहुत प्यार करते हैं आप, प्लीज। खान साहब की मेहरबानी है जी, वो प्यार करते हैं हम जैसे, वो तो बड़े लोग हैं, हम तो छोटे से लोग हैं, लेकिन वो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, बुला लेते हैं किसी वक्त, हम चले जाते हैं। आपने उनकी पार्टी के लिए तराना भी तो गाया है? बस जी उनकी मेहरबानी है जी, उन्होंने जब भी कहा हम हाजिर हो गए, हम तो सही लोग हैं जी। जो वो जो तराना आपने गाया था वो ना हमारे नाजरीन के लिए थोड़ा सा गुनगुना देंगे जी? नया गाना भी बनाया है, वो बाद में सुनते, पर पुराना गाना थोड़ा सा गुनगुना दें। जब वो आएगा इमरान जी, बनाया सुना दे फिर। अच्छा जी सुना देते हैं शिबली जी। कब जाएगा इमरान सब की मान बनेगी सिखो बनेगा नया पाकिस्तान, कब जाएगा इमरान सब की मान बनेगी सिखो। मेरा ख्याल है नीचे गाड़ी आई है, पुलिस है, इमरान साहब को हमारा पता चल गया है, ले जाओ, चुप करके निकलो। ये लाला नहीं है, क्या नीचे आए हैं? कौन? ये कोई बेवकूफियां हैं, इनको पकड़े। कौन है जिन्होंने हमारा इतना शाह? ये भागे हैं, पकड़ो।